पुलिस थाने के पीछे बने क्वार्टर में प्रधान आरक्षक के पद पर तैनात हवलदार का शव मिलने से पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई। पुलिस क्वार्टर में हवलदार का शव फांसी के फंदे पर लटके हुए मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन हवलदार ने फांसी क्यों लगाई पुलिस इस बारे में जांच कर रही है। कटनी जिले की उमरियापान पुलिस थाने के पीछे बने क्वार्टर में घटी इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए SDOP मोनिका तिवारी ने बताया कि पुलिस क्वार्टर में रहने वाले मृतक सत्येंद्र शुक्ला कुटला थाने में प्रधान आरक्षक के पद पर तैनात थे। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को माधव नगर क्षेत्र में रहने वाले अपने रिश्तेदार के यहाँ भेजा था, जिसके बाद वो ड्यूटी करने चले गए। ड्यूटी के बाद सत्येंद्र उमरियापान स्थित अपने क्वार्टर चले गए, लेकिन जब उनका परिवार उमरियापान पहुंचा तो घर के अंदर दरवाजे के ऊपर बनी खिड़की से उनका शव लटका हुआ दिखाई दिया। वहीं शव के पास से ऐसा कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला जिससे पता लगाया जा सके कि हवलदार ने आत्महत्या क्यों की। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी वर्तमान में मर्ग कायम कर लिया गया है, मर्ग जांच जारी है। जैसे तथ्य आएंगे फिर उसकी जानकारी उस हिसाब से कार्यवाही, अभी जांच जारी है, बाकी कार्यवाही के बाद बता दिया जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।